आज मैं आपको पानी के बारे में बताने वाला हूँ। जल, पानी, जीवन जो है वो जल के ऊपर चलता है, जल ही जीवन है ऐसा बोला जाता है। मगर हमें ये पता नहीं है कि पानी कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। यदि सही तरीके से पानी पीते हैं ना तो पानी बहुत सारी बीमारियाँ ठीक करेगा, आपको हेल्दी रखेगा। लोग पानी कैसा पीते हैं मालूम है? एकदम ऐसा मुँह को लगा देंगे जैसा अभी मैं पी रहा हूँ, ये गिलास अभी मुँह को लगा देंगे, पूरा पी लेंगे। तो ये पानी पीना गलत है। पानी हरदम आराम आराम से सिप सिप करके पीना चाहिए। जैसा गर्म दूध पी रहे या गर्म चाय पी रहे तो वैसा जैसा पीते हैं ना, वैसा कि जैसे अभी ये पानी पी रहा हूँ मैं, तो मतलब आराम से पी रहे। तो क्या होता है कि ये पीते पीते सलाइवा जो है अंदर अपने लार जो है ना वो भी उसमें मिक्स हो जाती है और वो पाचन के लिए काम में आती है। आराम आराम से पी रहे तो ये बहुत आराम से दूध जैसा तेजी से नहीं पीना है, भर भर फटाफट फटाफट पानी पी लिया। तो खाना जैसा चबाते हैं वैसा यदि आराम आराम से पानी पीते हैं, आराम आराम से पानी पीना, खाना जैसा चबा चबा के लेते वैसा आराम आराम से थोड़ा थोड़ा छोटा घूट लेना है, वैसा किया तो बहुत अच्छा होगा। फिर बाद में खड़े होकर नहीं पानी पीना है। क्या होता है कि हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो खड़े होकर पानी पीने में वायु का प्रॉब्लम हमारे बॉडी में होता है, वायु दोष, जोड़ों में दर्द, ये ज़्यादा पाया गया है। फिर ऊपर से पानी नहीं पीना चाहिए, मतलब ये हम ऐसा पीते हैं ना, ये ऐसा पीना नहीं चाहिए। क्या होता है कि वो सीधा जब पानी पीते हैं तो उसमें वायु भी अंदर जाता है पानी के साथ साथ, और पानी सीधा गले से एकदम पेट में चले जाता है, तो मुंह का जो आ रहा है उसका मिक्सिंग नहीं होता, ये अंदर डायरेक्ट चले जाता है और वो प्रॉब्लमेटिक होता है। पानी कितना पीना है? पानी गर्मी में, यदि गर्मी है, धूप काल है, तो धूप काले में क्या होता है कि हमारा मतलब परस्पिरेशन, पसीना ज़्यादा होता है, और फिर पसीना यदि ज़्यादा जा रहा है अपने बॉडी में से तो करीब करीब 3 से 4 लीटर तक पानी पीना चाहिए, 3 से 4 लीटर पर डे। यानी समझो ये ग्लास हो गया तो ये अप्रॉक्सीमेटली 200 ml का ग्लास है, और 4 लीटर पानी पीना मतलब 1 लीटर में 5 ग्लास बैठते हैं, 1 लीटर में 5 ग्लास मतलब ऐसे 20 ग्लास यदि पीते हैं तो 4 लीटर हो जाएगा। तो ये पानी पीना ऐसा इस तरह का आवश्यक है, 3 से 4 लीटर पानी। क्या होता है कि फ्रूट्स में काफ़ी पानी होता है, तरबूज जैसा फ्रूट है, तरबूज, वाटरमेलन जिसको बोलते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो फिर आप यदि बहुत ज़्यादा खा लिया तो फिर कम पानी लगेगा। सर्दी में मतलब ठंड काल में, विंटर में फिर आपको पानी कम लग सकता है क्योंकि तब परस्पिरेशन नहीं होता है, तो उस समय फिर पानी आपने कम पिया तो भी चलता है, तभी भी उस समय 2.5 लीटर से 3 लीटर तक विंटर में भी पानी पीना चाहिए। पानी कम यदि आप पीते हैं तो डिहाइड्रेशन होगा, यूरिन डार्क कलर की हो जाएगी। आपकी यूरिन डार्क कलर की हो रही है, अब यूरिन को बांस आ रहा है गंदा, तो इसका मतलब आपके शरीर में पानी कम है, पानी आपको ज़्यादा पीना चाहिए। मगर यदि आप ज़्यादा पानी पीते हैं, अति सर्वत्र वर्जते, ज़्यादा पानी पीते हैं, 5 लीटर से भी ज़्यादा पानी पीते हैं, तो फिर सोडियम जो है, जो हमारे बॉडी को बहुत आवश्यक है, वो ज़्यादा बह जाएगा और हमको सोडियम लॉस, जिसको हाइपोनेट्रीमिया बोलते, वो होगा। तो इसलिए ज़्यादा पानी भी पीना नहीं है क्योंकि वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यदि आप कम पानी पीते हैं ना तो कब्ज हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। पानी पिरामिड जैसा पीना चाहिए। पिरामिड कैसा रहता है कि नीचे बेस ज़्यादा रहता है और ऊपर 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 ऐसा कम होता जाता है। तो सवेरे ज़्यादा पानी पीना, जैसे मैंने बताया 400-500 ml 1 लीटर तक आप सुबह उठने के बाद में पानी पी सकते हैं, और बाद में फिर कम कम करते जाना है, और रात को फिर एकदम कम। मतलब मैं तो ऐसा रिकमेंड करता हूँ कि सोने के 3 घंटा पहले आपको 2 ग्लास पानी पीना चाहिए, सोने के 3 घंटा पहले, और बाद में पानी नहीं पीना है। ताकि क्या होगा, 2 ग्लास आप पानी पीते हैं मतलब 400 ml, तो 3 घंटे बाद आप सोने वाले हैं, तब तक आपको पेशाब हो जाएंगे, डिटॉक्सीफाई हो जाएगा, और बाद में फिर 3 घंटे में पानी नहीं पीने का है, फिर प्यास लगे तो सिप सिप पानी पीने का है, ज़्यादा नहीं पानी पीना। उसमें क्या होगा, उसमें रात को नींद नहीं खुलेंगी, रात को पेशाब नहीं लगेगी। बहुत सारे लोगों को ऐसा रहता है कि भाई रात को पेशाब लगती है, एक बार उड़ गए फिर नींद नहीं आती, तो इसलिए नींद के 3 घंटा पहले पानी बंद करो, बहुत ही प्यास लगे तो सिप सिप पानी पीने का है। भोजन के बाद में पानी पीना नहीं है। यूजुअली लोग जो है ना, वो काफ़ी लोगों को आदत है भोजन के बाद पानी पीते, एक्चुअली भोजन के बाद यदि पानी आप पीते तो क्या होता है कि एसिड जो है वो न्यूट्रल होता है, डाइल्यूट हो जाता है पेट का एसिड, और यदि एसिड डाइल्यूट होता है तो फिर पाचन में प्रॉब्लम आएगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो खाना खाने के बाद भी नहीं पीना है। एक्चुअली खाना खाने के पहले आप पी सकते हैं, खाना खाने के पहले यदि आप पानी पीते हैं, एक 400 ml 500 ml पानी पी लेते हैं तो क्या होगा, खाना आपको कम जाएगा और वो अच्छा है सेहत के लिए। 0.5 लीटर पानी पी लो, सैलड खाओ, और बाद में भूख लगी तो फिर, भूख बची है तो फिर खाना खाओ। भोजन के समय आप पानी साथ में रखो,
बहुत ज़्यादा तीखा लगता है तो आप सिप सिप पी सकते हैं, अदरवाइज पीने का नहीं है। सुबह जब आप उठते हैं तो कम से कम 400 से 500 ml या 1 लीटर तक सुबह पानी पी सकते हैं, वो डिटॉक्सिफाई करेंगे बॉडी को सुबह का पानी। और रात को पानी फिर पीने का नहीं है 3 घंटा पहले। गर्म खाना खाया या कुछ गर्म चाय वगैरह ऐसे पिया, मतलब कुछ भी गर्म पिया या गर्म खाया, तो उसके बाद में पानी पीने का नहीं, वो दांत को प्रॉब्लम देता है। दिन भर में फिर आप 1 घंटे में 1 गिलास ऐसा आराम आराम से सिप सिप करके ऐसा जब पियेंगे तब पानी पीना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 200 ml, ताकि वो आपको हाइड्रेटेड रखेगा। पानी का जो हाइड्रेशन है, मतलब पानी से क्या होता है कि आपको एसिडिटी भी नहीं हो जाएंगी, नहीं होंगी, और आपको एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई होते रहेंगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत एनर्जेटिक लगेगा। और ज़्यादा खाना नहीं, खा खा जो होता है ना, खाओ ऐसा नहीं होगा। जिम के बाद में आपने पानी पीने का, क्या करते हैं कि लोग जिम करते हैं बाद में फिर पानी पीते हैं, वो नहीं करने का। जिम के बाद थोड़ा समय जाने दो और बाद में पानी पीने का है। फ्रिज का पानी पीते हैं आप, रेफ्रिजरेटर का पानी, कोल्ड वाटर, तो कोल्ड वाटर ब्लड वेसल को श्रिंक करता है, छोटी करता है, खून की धमनियाँ, जॉइंट पेन्स करता है, पचन नहीं होता है कोल्ड वाटर से। तो कोल्ड वाटर जो है वो आपको अवॉइड करना है, पीने का नहीं है। आप सादे बर्तन का, कॉपर के बर्तन का या स्टील के बर्तन का पानी पी सकते हैं, मगर धूप काले में वो गर्म हो जाएगा। तो आप मटके का पानी पीते हैं तो भी चलेगा, मटके का पानी आप पी सकते हैं, मगर प्लास्टिक बॉटल वाला पानी पीना नहीं चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि हम कार में जाते हैं, प्लास्टिक बॉटल रखते हैं कार में सफ़र कर, एक्चुअली प्लास्टिक बॉटल आप रखो पानी भर के प्लास्टिक बॉटल में और सवेरे पियो, देखो कितना फ़र्क दिखेगा पानी में। क्योंकि प्लास्टिक बॉटल का जो प्लास्टिक है वो पानी में थोड़ा अंदर जाता है ना, वो सेहत के लिए ख़राब होता है। इन शॉर्ट क्या है कि पानी जो है जल, वो जीवन है, पानी पीना ही चाहिए। लोग, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो पानी कम पीते हैं क्योंकि उनको पेशाब जाना पड़े, ज़्यादा पानी हो गया तो पेशाब जाना पड़ेगा। तो एक साथ पानी न पीते हुए सवेरे का पानी आप पीते हैं आधा 1 लीटर, उसके बाद में डिटॉक्सीफाई हो जाएंगे पानी, समझो आधा लीटर या 1 लीटर पीते तो बहुत अच्छी पेशाब हो जाएंगी 2 घंटे बाद में, और सब साफ सफाई हो जाएगी अंदर की। सोने के 3 घंटा पहले आप यदि 2 गिलास पानी पी लेते हैं, मतलब 400-500 ml, तो उस समय सोने तक आपको अच्छी पेशाब हो जाएंगी और सब डिटॉक्सीफाई हो जाएगा सोने के समय। और फिर आपको रात को 7-8 घंटे फिर पानी पीने का नहीं है, क्योंकि फिर 8 घंटे आपको नींद है, तो वो उसमें फिर पानी पीने की आपको जरूरत नहीं है। और समझो आपको जाग आ जाती है तो सिप सिप करके थोड़ा सा पानी पीने का है, अदरवाइज सोने के पहले ग्लास भर पानी पीना या ग्लास भर दूध पीना ऐसा करते तो आपको डेफिनेटली पेशाब लगेंगे, नींद खुलने के बाद में फिर नींद लगेंगी नहीं। तो ये पानी का महत्व है। पानी पियो, जैसे मैंने बताया कि फास्ट नहीं पीना है, आराम आराम से पीना है, ऊपर से नहीं डाल के पीना है, और गर्म चाय दूध लेते वैसा आराम आराम से पानी पीने का है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।